बहुत ही चिंताजनक स्थिति है बांग्लादेश में। जब सवेरे मैं बांग्लादेश के भक्तों को जब मैं फ़ोन किया तो एक स्थान मेहरपुर करके कोई जगह है, वहाँ के भक्त ने बताया कि उनके मंदिर के ऊपर रात में एक मॉब आया और बम से हमला कर दिया। मंदिर के खिड़की से उन्होंने बम फेंक दिए, फिर जो फ्रंट दरवाज़ा है मंदिर का, गेट है, उसको तोड़ने की कोशिश करने लगे। किसी तरह जो अंदर जो ब्रह्मचारी थे, भक्त थे, वो अपनी जान बचाकर मंदिर के पीछे गेट से भागे और मंदिर के पास में ही कुछ दूर में जंगल है, वहाँ पर जाके छुपे रहे अलग अलग। और जब आज सुबह जब वे वापस अपने मंदिर में आए तो उन्होंने देखा कि पूरे मंदिर को ध्वस्त कर दिया है, यहाँ तक कि जो वहाँ के विग्रह थे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के, उनको भी उन्होंने नष्ट कर दिया। और मंदिर में जितने भी सामान थे, मंदिर का सामान, कीमती वस्तु, वो सब लेके चले गए, यहाँ तक कि जो किचन में जो राशन था उसको भी नहीं छोड़ा। तो भक्त लोग बहुत ही दुखी हैं, विशेषकर जब अपने आराध्य भगवान को देखे कि किस तरह उन्होंने क्षति पहुंचाई है। दूसरे मंदिर में भी मैंने फ़ोन किया तो वहाँ पर भी कई स्थानों में जो मंदिर हैं वहाँ पर भक्त अपनी जान की रक्षा के लिए भगवान को लेकर वो दूसरे स्थानों में, सेफर जगह में चले गए हैं। और ये खबर मिल रही है, काफ़ी हम लोग वीडियोज़ भी देख रहे हैं कि सिर्फ मंदिरों में भी नहीं, इवन जो हिंदू कम्युनिटीज़ है वहाँ पर भी अटैक हो रहा है। हम यही अपील करना चाहेंगे अन्य देशों की सरकारों से, कि भारत सरकार से और अन्य देशों की सरकारों से, कि ये जो बांग्लादेश में जो तांडव चल रहा है उसके लिए बहुत ही कदम उठाने की आवश्यकता अभी है, क्योंकि वहाँ पर लगभग 1.3 करोड़ हिंदूज रहते हैं और वो लोग काफ़ी आतंकित हैं। ये खबर मिल रही है कि कई स्थानों में जो पुलिस स्टेशन है उनको जला के नष्ट कर दिया गया है, पुलिसमैन को की भी कई जगहों में हत्या कर दी गई है। तो जो लोग हैं वो पुलिसमैन को भी कैसे मतलब नहीं है कि उनको अप्रोच करके वो अपनी जान बचा सकें, तो वहाँ पर कोई तंत्र नहीं है। तो इसीलिए इसका संज्ञान लेना चाहिए पूरे विश्व को और कुछ बहुत ही शीघ्र कदम उठाना चाहिए।